नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान दुनिया भर में अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बार एर्दोगान यूरोपीय परिषद पर भड़क उठे। उन्होंने यूरोपीय परिषद को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूरोपीय परिषद तुर्की की अदालत का सम्मान नहीं करती तो वह भी यूरोपीय परिषद का सम्मान नहीं करेंगे। इसके अलावा एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। एर्दोगान यूरोपीय यूनियन पर क्यों भड़के हुए हैं, क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल इस सारा मामला तुर्की के सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवाला से जुड़ा हुआ है। उस्मान कवाला पर तुर्की में तख्तापलट का आरोप है जिसकी वजह से वे जेल में बंद हैं। उस्मान कवाला को तुर्की में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उसे कई बार रिहा करके गिरफ्तार किया जा चुका है। यूरोपीय परिषद ने कवाला पर हो रही कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बुरी तरह से यूरोपीय परिषद पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अगर परिषद उनके देश की अदालत का सम्मान नहीं करती तो वो भी परिषद का सम्मान नहीं करेंगे। आपको बता दें, यूरोपीय परिषद ने उस्मान कवाला के मामले को मानव अधिकार उल्लंघन की जांच के लिए यूरोपीय अदालत में भेजा है। तुर्की यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। अगर ताजा कार्रवाई में तुर्की दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, जिसकी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बुरी तरह से आग बबूला है। एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के संकट को देखते हुए भी पश्चिम देशों को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संकट के समाधान के लिए अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच बैठक कराना चाहते हैं। हमने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा है कि हम तनाव को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। एर्दोगान यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए यूक्रेन का दौरा भी कर चुके हैं, अब वे रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अगर हमें मध्यस्थता करने का मौका मिलता है तो हम रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसे अंजाम देने का प्रयास करेंगे। एर्दोगान ने आगे कहा कि यूक्रेन और रूस के संकट के समाधान के लिए पश्चिम देशों ने अभी तक कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि वो शांति प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं। पश्चिम अधिकारी और वहां की मीडिया बार बार ये दावा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इसके आड़ में वो यूक्रेन के समर्थन में बयान दे रहे हैं और उसके लिए हथियार भेज रहे हैं, जबकि रूसी अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन पर हमले का इरादा नहीं रखते। एर्दोगान ने इसराइल को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अंकारा इसराइल की गैस को यूरोप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, इसराइल के राष्ट्रपति मार्च में तुर्की का दौरा करने वाले हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की यह मुलाकात तनावपूर्ण संबंध को सुधारने के लिए हो रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।